हमारा दिमाग कुछ सेकंड पहले ही डिसीजन ले चुका होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब वो डिसीजन हम ले रहे हैं। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 16। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं बजाय किसी एप्पल स्टोर में नौकरी मिलने के। गूगल ने अपने हेडक्वार्टर की फील्ड की घासें खत्म करने के लिए लॉन मूवर की बजाय 200 बकरियां रेंट पे ली, जिन्होंने वो घासें खा के खत्म कर दी। उससे उन बकरियों का पेट भी भर गया और गूगल का काम भी हो गया, और इससे पूरी दुनिया को एक शिक्षा भी मिली कि नेचुरल रिसोर्सेज पे जाना चाहिए बजाय इन मशीनों के जो ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा बढ़ाती है। क्रैश टेस्ट में यूज होने वाली डमी को इन्वेंट करने से पहले असली की ह्यूमन बॉडी को यूज किया जाता था। जो लाशें होती थी उनको उसमें बिठा दिया जाता था, उसके बाद में ये क्रैश टेस्ट किया जाता था। एयरलाइंस प्रेफर करते हैं कम वेट के क्रू मेंबर्स को और कम वेट के खाने को। उनके मेन्यू में जो खाना होता है वो अक्सर कम वेट का ही होता है, इससे उनका लाखों डॉलर का फ्यूल बच जाता है हर साल। बिच्छू की कुछ प्रजातियां साल में सिर्फ एक बार खाना खाकर ही जी सकती हैं। दुनिया का 35% केवियार सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ की क्रूज शिप पर ही खाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवियार दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फूड है। ये 1 किलो $35,000 में बिकता है। 1830 तक केचप मेडिसिन के तौर पर बेची जाती थी। उनका मानना था कि टमाटर में वो ताकत होती है जो डायरिया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और जॉइंटिस जैसी बीमारियों को दूर करता है। ऊद बिलाव की आंखों की आईलेड यानी कि पलके ट्रांसपेरेंट होती है। ये जैसे ही अपनी आंखें बंद करके पानी में जाता है तब भी दिखता है अपना शिकार और ये शिकार करके मजे से खा लेता है। लेकिन इसमें दो खूबियां और हैं। इसके कान और नाक में वॉल्व होते हैं जो अपने आप ही बंद हो जाते हैं जैसे ही पानी में जाता है, जो इसे मदद करते हैं और भी ज्यादा देर तक पानी में रहकर शिकार करने में। पूरी दुनिया में 5 में से 1 डॉक्टर रशियन है। स्पीकिंग अबाउट डॉक्टर, तो इंडिया की भी बात कर ली जाए। 2030 तक इंडिया को 20 लाख डॉक्टर्स की और जरूरत होगी, तभी जाकर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर की रेशो कंप्लीट हो पाएगी, और तभी जाके सरकारी अस्पताल की भी तो हालत सुधरेगी। दुनिया भर की 12% कोका कोला अमेरिकन सिर्फ अपने ब्रेकफास्ट में ही घट कर जाते हैं। क्राइम, डिजीज और वॉकिंग स्पीड अपने आप बढ़ जाती है 15% तक जब सिटी की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चाहे आप किसी मार्केट में जाओ, अगर वहां पे भीड़ हुई तो सबको जल्दी हो गया, हट मुझे आगे निकलने दे, और वहां पे चोरी का भी खतरा होगा तो क्राइम बढ़ेगा। वहां पे स्पीड भी बढ़ रही है आपको जल्दी निकलने की, और वहां पे बीमारी तो होगी, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी लेके घूम रहा है और आप पे खांस दे और आप बीमार पड़ जाओ। दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को एनेस्थीसिया से बेहोश किया जा सकता है, यहां तक कि प्लांट्स को भी बेहोश किया जा सकता है। यूएस के लॉस वेगस के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि ये गैम्बलिंग के लिए कितना ज्यादा मशहूर है और कितने ज्यादा है इसमें कैसीनो भी है। लेकिन हद तो 1980 में हो गई थी जब हॉस्पिटल के अंदर बैटिंग चलती थी कि ये पेशेंट बचेगा या मरेगा। अमेरिकन दुनिया में अपनी हेल्थ केयर पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिलो एवरेज रहती है। और उसका एक रीजन भी है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये इतना ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं कि ये रोजाना एक मक्खन की बड़ी टिकिया खा जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा को 7 साल लगे थे इस रिसर्च में कि यूरिन के अंदर कितने ज़्यादा केमिकल कंपाउंड होते हैं, और अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद में इन्हें मालूम चला कि 3,079 टाइप के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो दोस्तों, अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और जाते जाते एक दुखद समाचार देना चाहूँगा कि जो सुदान नाम का एक वाइट राइनो था, नॉर्दर्न वाइट राइनो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो उम्र होने के कारण मर चुका है। अभी 20 तारीख को ये खबर मिली थी, वैसे आखिरी था। अब 2 फीमेल रह गई हैं नॉर्दर्न वाइट राइनो प्रजाति की। तो बस इंसानों ने दिखा दिया कि हम यहाँ पे सिर्फ नेचर को बर्बाद करने आए हैं और इन जानवरों की ऐसी तैसी करने आए हैं, और वही हो रहा है। सबको लेदर के जूते पहनने हैं, लेदर का जैकेट चाहिए, लेदर का पर्स चाहिए, लेदर अपनी लेदर उतार के पहन लो ना यार। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वही करना जो आपको करना है, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।